हेलो एवरीवन, तो आज है डे टू 30 डेज 30 आई लुक का। तो आज मैं आपके साथ ब्लैक स्मोकी आई शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लैक स्मोकी आई के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने लिट पे ब्राउन जेल लाइनर लगाया है। आप ब्राउन ही लगाना, ब्लैक नहीं, वरना वो बहुत ज़्यादा लाइक ब्लेंड करने में डिफ़िकल्टी होता है। दैट्स वाई, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मंदिर में पूजा हो रही है इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा आपको। तो या उसको लगा लेना है आपको, पर आपको क्रीज के ऊपर नहीं जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने क्रीज पे अप्लाई नहीं किया है। अब मैंने एक छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसकी मदद से मैं धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए ना इसको क्रीज तक लेके जाऊंगी। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको सेम ऐसे ही करना है। एंड उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक आई शेडो। तो अब क्या है ना कि जैसे ब्राउन पहले हमने लगा लिया है, तो हमें ब्लैक को बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ब्लैक बहुत लोगों से संभलता भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ब्लेंडिंग के टाइम पे। इसलिए पहले आपको ब्राउन जेल लाइनर लगा लेना है, या फिर आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है डार्क ब्राउन शेड, जो कि आपको क्रीज पर ब्लेंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, जिस पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं क्रीज पे बफ कर रही हूँ अच्छे से, ताकि जो ब्लैक है और जो ब्राउन है वो मर्ज हो जाए अच्छे से, कोई हार्श लाइन ना हो। तो इसलिए आपको डार्क ब्राउन शेड वहाँ लगाना है। एंड उस डार्क ब्राउन शेड को थोड़ा सा और डिफ्यूज़ करेंगे हम लाइट ब्राउन शेड की मदद से, ताकि जो डार्क ब्राउन शेड का जो हार्श लाइन थोड़ा आ रहा था ना, वो डिफ्यूज़ हो जाए अच्छे से लाइट ब्राउन की मदद से। उसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि आई मेकअप में सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है ब्लेंडिंग। अब जितना ब्लेंड करोगे उतना सही होगा। उसके बाद मुझे ब्लैक थोड़ा सा मतलब डल लग रहा था, तो मैंने फिर से ब्लैक लगाया है आई शेडो अपने लिड पे। एंड देन उसमें मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर लगाया है, बड़े छोटे छोटे से ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। ब्लैक के साथ सिल्वर बहुत अच्छा लगता है। काजल के लिए आप यहाँ पे ब्लैक काजल यूज़ कर सकते हो, मैंने व्हाइट काजल यूज़ करा है। और नीचे के साइड में मैंने ब्राउन आई शेडो और ब्राउन काजल को मिक्स करके, जो लाइनर ऊपर लगाया था ना जेल लाइनर, उसको नीचे लगा के और ब्लैक ब्राउन आई शेडो से स्मज कर दिया है। देन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिल्वर हाइलाइटर, क्योंकि ब्लैक के साथ सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए ब्लैक हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर पे और ब्रॉ बोन पे। इसके साथ लिपस्टिक अगर मैं आपको बताऊँ तो आप रेड भी रख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके साथ न्यूड कलर का लिपस्टिक लगाओ, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड ये वाला जो लुक है आप किसी भी पार्टी में कैरी कर सकते हो, इवन आप इसको मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। सो लास्टली मैंने मस्कारा लगाया है। फॉल्स लैशेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगाना है, यानी मैंने यहाँ नहीं लगाया, बस कॉल किया और लैशेस लगा लिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।